नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में एक दिन में 19,148 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 434 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,04,000 के पार निकल गया है और मरने वालों की संख्या भी 17,834 हो गई है। फिलहाल 3,59,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 2,26,000 से अधिक सक्रिय केस हैं। भारत में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और बीते 24 घंटों में 2,29,000 से अधिक सैंपल की टेस्टिंग की गई है, जिससे अब तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 90,56,000 से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र में एक दिन में 5,537 नए मामले आए और 198 लोगों की मौत हुई, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,80,000 को पार कर गया और मरने वालों का आंकड़ा भी 8,000 से अधिक हो गया है। फिलहाल एक्टिव केस 79,000 हैं। दिल्ली में एक दिन में 2,442 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 61 लोगों की मौत हुई है, जिससे दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 90,000 को पार कर चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 2,803 हो गया है। फिलहाल 27,000 एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 3,882 नए मामले सामने आए और 2,852 लोगों को छुट्टी मिली, जबकि 63 लोगों की जान चली गई। राज्य में अब तक कुल मामले 94,049 हो गए हैं, जिनमें से 52,926 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,264 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में 24 घंटों में 675 नए मामले सामने आए और 21 लोगों की मौत हुई, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 33,000 से अधिक हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 1,869 हो गया है। केरल में एक दिन में 151 नए मामले सामने आए और 131 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 4,593 हो गई है, जिनमें से 2,130 सक्रिय केस हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,492 हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 697 हो गया है। फिलहाल 6,711 सक्रिय केस हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मास्क नहीं पहनने के सवाल पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मास्क पहनने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर वैसे हालात हों तब। बता दें, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है और इसके बावजूद ट्रंप को बहुत कम मौकों पर ही मास्क में देखा गया है। ब्रिटेन में एक संसदीय सुनवाई के दौरान सरकारी कमेटी को बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संभावित कोरोना वैक्सीन के ट्रायल से सकारात्मक नतीजे मिले हैं। ये ट्रायल अब क्लिनिकल स्टेज के तीसरे चरण में पहुंच चुका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने सरकारी कमेटी को बताया कि ट्रायल के अगले चरण के लिए 8,000 वॉलंटियरों का पंजीकरण हुआ है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वैक्सीन कब तक तैयार होगी, क्योंकि इसका भविष्य ट्रायल के नतीजों पर निर्भर करेगा। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,07,00,000 के करीब हो गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 5,15,000 से अधिक है। वहीं 60,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 26,86,000 से ज्यादा हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 1,28,000 से अधिक है। ब्राजील के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 14,48,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 60,000 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। रूस संक्रमण के लिहाज से तीसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। रूस में संक्रमण के कुल 6,53,000 से अधिक मामले हैं और मरने वालों की संख्या 9,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।